राजनीति एक ऐसा रिश्ता है जहां अपने पराए हो जाते हैं तो पराए गैर के गले लगकर अपना बना लेते हैं। कुछ ऐसी बिहार की राजनीति हो गई है जहां सूर पल भर में बदल जा रहे हैं और ताल जो है वो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। खैर, इस सटीक ताल में कई के राजनीतिक कैरियर खतरे में दिख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर न्यूज़ बिहार में। न्यूज़ बिहार लगातार आप लोगों को बिहार की सियासत से जोड़ रहा था, ऐसे में हमने बात की अपने और पराए की। तो अपने और पराए हमने बात करनी शुरू की है पप्पू यादव से। पप्पू यादव लगातार बोल रहे थे महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, साथ ही साथ जो सत्ताधारी एनडीए है उसके खिलाफ भी वो बिहार में बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही चुनाव नज़दीक आया तो उन्होंने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को भांप लिया और पक्षधार हो गए महागठबंधन की और उम्मीद करने लगे कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे दे और वो अपने घर का जो उनका टिकट है, क्षेत्र है मधेपुरा, वहां से वो चुनाव लड़े। खैर, तेजस्वी यादव को नागवारा हो गए पप्पू यादव और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पप्पू यादव को महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, जिसके बाद पप्पू यादव के बोल फिर बिगड़ गए और वो लगातार तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा करने लगे। अब एक नया मामला सामने आ रहा है जहां पप्पू यादव की टिकट कट गई महागठबंधन से, उन्हें महागठबंधन में नहीं रखा गया तो वो मधेपुरा से निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं या कहे तो अपनी पार्टी जाप से वो लड़ते दिख सकते हैं। ऐसे में सूत्र बता रहे हैं और बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि रंजीता रंजन जो कि उनकी पत्नी हैं और सुपौल से सांसद हैं कांग्रेस के टिकट पर, उनका भी टिकट खतरे में है, यानी कि कांग्रेस उनकी उम्मीदवारी को दोबारा से पेश नहीं करेगी। खैर, इन सब के बीच अब पप्पू यादव पहुंच गए थे सुपौल और सुपौल में वो जनता के बीच जाकर रूबरू हो रहे थे। वहाँ उन्हें प्रतीत हुआ कि शायद जिस तरीके से तेजस्वी यादव चुप हैं, सुपौल में माहौल शांत है, तो आने वाले समय में उनकी पत्नी रंजीता रंजन का भी टिकट कट जाएगा। इस पर उन्होंने बेबाकी से संवाददाताओं से बात की और अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दे दी है महागठबंधन और ख़ास तौर पर राजद को, क्योंकि पप्पू यादव इस बात को भली भांति जान रहे हैं कि जो उनके राजनीति पर असमंजस लगा हुआ है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है राजद। ऐसे में उन्होंने मीडिया से संवाददाताओं से बात करते हुए कहा है कि अगर रंजीत रंजन का सुपौल से टिकट कटता है तो वो अपने उम्मीदवार को तैयार करेंगे और उस सीट से लड़वाएंगे जहां जहां से राजद लड़ रही है। खैर, अगर पप्पू यादव सक्रिय हो जाते हैं अपनी जाप पार्टी को लेकर राजनीति में तो 40 सीट पर अपने उम्मीदवारों को वो पेश करेंगे। खैर, नामांकन हो चुका है पहले चरण के लिए, ऐसे में कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार को वो नहीं उतार सकते, लेकिन अगर आरजेडी 20 सीटों पर लड़ रही है तो अभी एक लंबा समय बचा हुआ है नामांकन के लिए, और अगर रंजीत रंजन का टिकट काट दिया जाता है तो साफ तौर पर पप्पू यादव ने कह दिया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके भी उतने ही उम्मीदवार उतरेंगे, उसी क्षेत्र में उतरेंगे जहां से आरजेडी अपनी उम्मीदवारी पेश करेगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होता है कि क्या पप्पू यादव के इस अल्टीमेटम के बाद आरजेडी क्या स्टेप लेती है। खैर, इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है, आप भी देख ले कि किस अंदाज में पप्पू यादव का ये अल्टीमेटम है। जब जानकारी मिली तो हम कोर्ट में सरेंडर करके मत की उठो है करो 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 मेरा दोनों नहीं अपील करने का हमको बेल नहीं और मैं चुनाव के जंग में निकल पड़ा। केना के मतलब क्या था मसला, किस मसले में? आचार संहिता का मामला, आचार संहिता में चंद्रकांत जी के यहाँ हेलीकॉप्टर फिल्म से गिरी थी, उसी आधार पर ये केस। बेल कैसे टूट गया? इन्हें बेल नोटिस नहीं थी, जानकारी नहीं था, तो यहाँ से ट्रांसफर पटना चला गया था, उसकी जानकारी नहीं थी, फिर पटना से यहाँ आ गया तो जानकारी के अभाव में ये बेल टूटा। इसमें हमारे तरफ से कोई गलती नहीं थी, सम्मान होता तो फिर बेल नहीं। पप्पू जी, एक अलग सवाल कि अभी जो चल रहा है खींचतान मांगे, स्कीम के आगे ला रहे हो सर? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता स्कीम के आगे मतलब
कि आप सीटिंग सीट पर, आप दरभंगा की सीटिंग सीट पर भी जब दरभंगा में उन्होंने ज्वाइन कर लिया और सीटिंग सांसद है, चलिए पप्पू यादव से आपकी निजी दुश्मनी आपने ठान ली, जहर खा लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे ही घर से, जिसने हर घर से रिश्ता बनाया हो, जिसने जिया हो, मेरे ही मट्टी और मेरे ही मां के आंगन से आप हमें समाप्त करने में, हमने हर तरह की कुर्बानी देने की बात कही। कांग्रेस प्रेसिडेंट पर मैंने अपनी बात छोड़ दी, फिर हुआ कि पूर्णिया लड़ जाए, पूर्णिया में फिर आप जबरदस्ती दूसरे कैंडिडेट को दे दिया, फिर आपने कहा खगड़िया, मैंने वो भी कुर्बानी सहने को तैयार हुआ, कहा कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए, मैंने स्वीकार किया कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूंगा। मुझे आप समझ में नहीं आई आज तक कि आप बीजेपी से लड़ रहे हैं कि पप्पू यादव और कन्हैया से, किससे लड़ रहे हैं आप देश बचाना चाह रहे हैं कि परिवार बचाना और खुद को बचाना, आप किसको बचाना चाह रहे हैं? जनता तय करती है, जनता मालिक होता है, आप पटना दिल्ली में बैठ के आप ठेकेदार हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक ताकतों को, जो युवाओं के विरोधी हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, आप उनको, उनके हाथ खेल रहे हैं। आप दरभंगा में भी वही स्थिति, आप मुकेश सैनी के लिए नहीं, आप जो वर्तमान सांसद हैं उनके लिए नहीं, आप किसी के लिए आप बात कर रहे हैं। आपने हर तरह के गठबंधन धर्म को अपमानित किया है आपने। अब आप जो सांसद हैं रंजीत रंजन जी कांग्रेस में, पप्पू यादव से आपकी दुश्मनी है तो आप लड़िए ना। मैंने कांग्रेस जहां चुनाव लड़ रही थी पूर्णिया में, हमें जबकि 3 लोग वहां आत्महत्या कर लिए और तीनों मुखिया, फिर भी मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलिए कांग्रेस वहां सीट लड़ रही है, मैं वहां नहीं लड़ूंगा। लेकिन जो मेरा घर है, आप हमें तो स्वतंत्र करिए लड़ने के लिए। 20 साल जो आदमी जदयू भाजपा में चुनाव लड़ करके रहा शरद यादव जी, और पप्पू यादव को लाकर आप शरद यादव को हराए, आरजेडी हरा नहीं पाई। अगले बार रंजीत रंजन जी चुनाव लड़ी थी तो सेकंड हुए थे, आरजेडी थर्ड थी। मेरी माँ पूर्णिया में चुनाव लड़ी तो हम 20,000 से हारे, आरजेडी थर्ड थी। और आप परंपरागत बात करते हैं, आप वहाँ चुनाव हारे मधेपुरा में, फिर पप्पू यादव आकर के शरद यादव को हराया, फिर दूसरे बार भी पप्पू यादव हराया, और आज आप लालटेन थमा करके, आप जिस शरद यादव ने आपको फांसी का मांग किया था, सजा का मांग किया था, वो आपके दोस्त हो गए, और जो पप्पू यादव हमेशा आपके साथ कर रहा था वो आपके सबसे बड़े निजी दुश्मन आप उन्हें इसका चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये 2020 में जितने ऑब्स्टेकल हैं पप्पू यादव जैसे लोग, आप उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप तो बेच दिया अपने को गठबंधन धर्म को, जिस तरीके से आप लगातार, और आप कह रहे हैं कि रंजीत रंजन जी पप्पू यादव यदि चुनाव लड़ेंगे तो रंजीत रंजन जी, भाई हम तो अपने सिटिंग सीट पर हैं, हम गलत तो नहीं है, आप रंजीत रंजन को टॉर्चर कर रहे हो, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट तय करेगी। यदि आप कांग्रेस रंजीत रंजन जी की सीट पर आप टॉर्चर करिएगा, आप लड़ने दीजिए शरद यादव पप्पू यादव को, जनता तय करेगी, जनता मालिक होती है। क्या लग रहा है, जो स्थिति बन रही है महागठबंधन चल ही पाएगा या टूट जाएगा, क्या नजर क्या रहा है? भैया जब हम किसी के हाथ खेलेंगे गुजू गुजू कौन कौन है, और जब हम कहीं ना कहीं आंतरिक हमारा समझौता हो जाएगा और कई तरह के आंतरिक खेल में लगे रहेंगे, ये घरौंदा का खेल नहीं है, ये बच्चे बच्चे की कहानी नहीं है। आज बड़ा दिल, सही कहा लालू यादव होते तो गठबंधन का कुछ और स्वरूप होता, लेकिन आज लालू यादव है नहीं। वर्तमान परिस्थिति में लग क्या रहा है, चल पाएगा गठबंधन? नहीं, मुझे तो लगता है कि गठबंधन को मजबूती से चलाना चाहिए। पप्पू यादव, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे, हमने सीधा कहा कि पप्पू यादव हमेशा इंडिपेंडेंट चुनाव जीता है, आपसे हम कुछ मांग तो रहे नहीं है। आपको मैंने कहा गठबंधन धर्म के लिए कुर्बानी देंगे, हम खगड़िया तक जाने को तैयार हूँ, कांग्रेस ज्वाइन करने को तैयार हूँ। अब आप कह रहे हैं जहर खा लेंगे, राजनीति में कोई जहर खाता है? मेरा हमेशा व्यक्तिगत रिश्ता रहा, विचार के रिश्ते से अलग अलग हम हो सकते हैं। आप हर जगह फंसा के रखे हुए हैं, दरभंगा की स्थिति आप वही पैदा करके रखे हुए हैं, आप शिवहर की स्थिति वही पैदा करके रखे हुए हैं। मैं आज आपको कह देना चाहता हूं, यदि आप लगातार जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मैं चाहता हूं गठबंधन धर्म टूटे नहीं, मैं चाहता हूं सेकुलर ताकतों के खिलाफ कंप्लीट रूप से एक होकर के लड़े। हम अपने जगह, हमको आप हम पर छोड़ दीजिए, लेकिन यदि आप बगल में रंजीत रंजन जी पर आप
पप्पू यादव के कारण आप लगातार हमला कीजिएगा और एक व्यक्ति के कहने पर हमला, तो आप भी कहीं लड़ रहे हैं। आपको लग रहा है आप भी पाटलिपुत्र और छपरा लड़िएगा। ये पप्पू यादव के वर्कर आप जहां लड़ेंगे, मैंने कहा मैं कन्हैया को सपोर्ट करूंगा हर परिस्थिति में। आप यदि ऐसा करिएगा तो किशनगंज में हर परिस्थिति। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।